तो सर 100% आ जाएगा ना सर, 25 लाख रुपए मिल जाएगा ना सर? अच्छा, और एक आपको नया भी अच्छा मशवरा दे रहा हूँ जी। क्या है, हम लोग गरीब आदमी सर, और ऐसे अचानक से लॉटरी लगा तो एकदम खुशी के मारे एकदम गदगद हो गए सर। अब क्या, अब का ही बताएं आप। अब अगर पास में रहते सर, आपको भी हम कम से कम 50-60 हज़ार रुपये आपको दे ही देते सर। ऐसा एकदम खुशी महसूस हो रहा है सर, लेकिन वेरी सॉरी सर। जी सर, हाँ यस बोलिए जी, अभी कॉल लगाए थे सर। हाँ, नंबर चेक किया सिम की बैक साइड पे? हाँ, नंबर तो सही लग रहा है सर। शुरू में लास्ट में है? लास्ट में सर। सॉरी भाई, आपने नंबर चेक ही नहीं किया, दोबारा एक बार चेक कीजिए। आपको जब आप सिम के ऊपर देखोगे ना तो आपको कंफर्म होगा। वेरी सॉरी सर। नहीं, मेरे को तो वही लगा बस शायद। जी चेक करता हूँ, मिला लेता हूँ। नंबर चेक कीजिए, आप इस चीज को मजाक समझ रहे हो, आप सीरियसली, आप ये नंबर चेक कीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि वाकई भगवान ईश्वर ने आपका बात सुन लिया और माता पिता का आशीर्वाद है आपके साथ सर। आप नंबर पहले कंफर्म कीजिए। तो कितना का लगा लॉटरी सर? मैं एकदम खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ, लॉटरी लगा है बोल रहे आप, समझ नहीं पा रहा। आप पहले नंबर चेक करो, फिर कॉल लगाओ मेरे पास। अरे बता देते सर क्या है। बोलिए जी सर, 8991 है सर। मैं लास्ट में? फर्स्ट में सर। बहुत बहुत बधाई सर आपको और आपके परिवार को। 100% आप 25 लाख 25 लाख रुपए के विजेता बन चुके हो सर। अभी मैं आपको RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नंबर दे रहा हूँ जी। हमारे देश भारत के सबसे बड़े ब्रांच के मैनेजर हैं जी। सर आपने कॉल लगाना है, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट नंबर है तो अपना अकाउंट नंबर दे देना। हाँ। अगर अकाउंट नंबर नहीं तो आप अपना चेक प्राप्त कर लेना। अभी उनका नंबर आपकी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, नंबर मोबाइल में सेव करके व्हाट्सएप कॉल लगानी है। ओके, कितना का लगा है सर? 25 लाख 25 लाख रुपए। 25 लाख? अरे बाप रे, कमाल हो गया सर। थैंक यू सर। तो अभी उनका नंबर मैं आपकी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, नंबर मोबाइल में सेव करके आप कॉल लगाइए। ओके जी, सेव करने के बाद उसको कॉल लगाना। वो किस में, व्हाट्सएप में कि कॉलिंग में सर? व्हाट्सएप में से। अभी उनका नंबर मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आप नोट कर लो। जी बताइए सर। नाम उनका है राणा प्रताप। राणा प्रताप सर, कहाँ से हैं सर वो? मुंबई के। मुंबई से? जी सर, बताइए सर, बताइए। ओके, नंबर लिखो 7351 7351 0 2 8 0 2 8 793 793। ये नंबर पूरा मोबाइल में सेव करो, सेव करके व्हाट्सएप पे कॉल करो। आगे राणा प्रताप सिंह बोलेंगे जी। लॉटरी नंबर बताओ अपना, 8991, अपना नाम बताओ, बाकी की जानकारी वो आपको देंगे। जी ठीक है। तो सिम नंबर में लॉटरी नंबर लग गया सर? जी ठीक। नहीं, वो मैं क्या, मेरा सिम नंबर में उसका लॉटरी नंबर लग गया, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा एक्साइटमेंट इतना हो रहा है सर, 25 लाख रुपए। जी थैंक यू सर। शुभ नाम सर, आपका क्या नाम है सर? नाम विजय सक्सेना। जी थैंक यू सर, वेरी मच सर। हेलो जी, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ सर, उत्तर प्रदेश से।
सर अभी okay, सर मेरे को फोन किए थे सर कि आपका 25 लाख रुपए लग गया है लॉटरी करके, तो आपका नंबर दिए। लॉटरी नंबर और नाम बोलिए जी। मेरा नाम सूरज है सर, लॉटरी नंबर बताया था सर 8991 बताया था सर। ओके सूरज बेटा, आप ऐसा कीजिए आप मेरे को ना 5 मिनट के बाद कॉल लगाइए, अभी सिस्टम से मैं चेक करता हूँ कि सूरज के नाम का हमारे पास कोई लॉटरी पहुँचा या नहीं पहुँचा। आप 5 मिनट के बाद इसी व्हाट्सएप पे मेरे को कॉल लगाइए। ओके जी सर। जी सर हाँ। थैंक यू थैंक यू। हेलो जी सर। जी बिल्कुल, सो वेरी हैप्पी, मैंने कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। योर फैमिली यू वेस्ट ऑफ लक, यू विन 25 लाख रुपीस फ्रॉम जियो जैकपॉट मुकेश अंबानी अमिताभ बच्चन एंड पीएम मोदी सरकार। क्या बात है। बता दीजिए कि आपका खाता है किसी बैंक में, जिस बैंक में अपना अमाउंट आप रिसीव करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, एनीवन बैंक। जी खाता तो सर खुला ही नहीं, लेकिन पड़ोस का है, मतलब घर का ही है किसी का, तो सर समझ में नहीं आ रहा है सर ये। अपना नाम भेजो जी। सर अभी ऐसा करो, अपना नाम भेजो, अपना फोटो भेजो जी, और एनी वन पर्सन का आप अकाउंट नंबर सेंड करो जी, सेंड करके आप कॉल लगाओ। अभी हम आपका पैसा जो है ना सर आपके अकाउंट में ऑनलाइन डिपॉजिट करते हैं, और जाके हमारे साथ लाइन होल्ड पर रह के आप चेक कर सकते हो, निकाल सकते हो जी। जी अभी अपना अकाउंट नंबर, नाम और फोटो ये व्हाट्सएप करके जी जी, मतलब जिनका जिनका अकाउंट नंबर है उनका नाम और फोटो उनका भेजना है सर। अच्छा अकाउंट नंबर सिर्फ भेजना है उसका। yes, sir, उसके अलावा और उसके अलावा और कुछ उसका डिटेल और नहीं भेजना है ना सर। yes? डिटेल उसका अकाउंट नंबर वाले का, और कुछ अलग से थोड़ी भेजना है उसका, सिर्फ अकाउंट नंबर ही देना है सर। ओनली अकाउंट नंबर और कोई डिटेल नहीं। जी 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 सर, मैं क्या बोल रहा था, अकाउंट से अगर नहीं था, अगर कहीं अगर मिल जाता तो ऐसी कैश में सर, क्या है वो अब सामने वाला इतना इतना पैसा आएगा तो पता नहीं उसका भी दिमाग बदल जाएगा सर, देगा कि नहीं देगा, दिक्कत है ना, लफड़ा हो जाएगा सर। पहले आप कंफर्म कीजिए, अकाउंट का कंफर्म कीजिए, फिर आप कॉल लगाइए। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। हमने पैसा किसी दोस्त फ्रेंड से मंगवाना है। जी जी जी, तो जैसे पैसा आपके काम निकालने का कोई दिक्कत वाला बात नहीं था, ज्यादा राशि बताने का जरूरत नहीं। जी 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 ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बाकी अभी तुरंत करा रहा हूँ सर आपको। जी धन्यवाद सर। जी जी ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो सर, भाई खा दे तो लगा जल जैसे सर भाई चाहिए। सर डिटेल भेज दिया हूँ सर, आओ दे सारा कुछ भेज लो। हाँ सर वेट कीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ डिटेल आपको। अभी तो बैठते भाई आइए। सूरज सिंह अकाउंट नंबर। ओके सर, अभी मैं आपकी जो फाइल है वो इधर से क्लियर कर रहा हूँ, आप जस्ट 5 मिनट वेट कीजिए। ओके और कॉल करना पड़ेगा सर। सर जल्दी करा देते, जल्दी करा देते सर, क्या है सर अभी वही तो काम कर। जी टाइम और कितना समय लग सकता है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर आपका। जैसे आपकी रेडी होगी फिर देख के, आपकी तरफ से होगी, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं। जी जी मैं तो भेज दिया हूँ सर आपके पास में जो भी डिटेल आप बोले थे। ओके आपका चेक रेडी हम कर रहे हैं जी। सर अभी मैं आपको बताता चलूं कि आपकी आवाज इधर हमारे पास होनी चाहिए ना, दूरदर्शन बीडीसी पंजाबी स्टार वन स्टार अफसर पे रिकॉर्ड की जा रही है, जो आपको मैसेज देना चाहे अमिताभ बच्चन के लिए, पीएम मोदी सरकार के लिए, जो मैसेज आ रहा है टीवी पे आपका अनाउंसमेंट किया जाए, क्या रिकॉर्ड किया जाए, क्या आवाज होगी, क्या मैसेज होगा आपका। सर मेरा टेलीकास्ट कहाँ टीवी चैनल में आएगा सर? Yes? चैनल में आएगा, मतलब जीत गया 25 लाख करके ऐसा कुछ। क्या बोल रहे हैं आप?
मतलब मेरा जो है, मैं लकी में मैं जीत गया हूँ 25 लाख, वो टीवी में भी शो करेगा क्या सर? टीवी में भी दिखाएगा क्या ये बंदा जीत गया 25 लाख करके? सर, आज रात टीवी में अनाउंसमेंट किया जाएगा। जी जी जी, कौन से चैनल में दिखाएगा सर? ओके सर, अब वेट कीजिए सर, आप 5 मिनट के बाद कॉल लगाइए, फाइल आपकी रेडी करके आपके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए सर, 5 मिनट के बाद कॉल लगाइए। जी जी जी, ठीक है सर, ओके सर। हेलो, ये आपका अभी आपकी फाइल मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजी है। जी सर, आप देखिए, देखने के बाद जो रूल और रेगुलेशन लिखे हुए हैं जी जी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अभी डिटेल आपके व्हाट्सएप पे आ चुकी है, आप चेक कीजिए। हाँ, व्हाट्सएप पे आ चुका है, जल्दी से चेक करके कॉल लगाइए। और आपसे पहले जिन लोगों को लॉटरी ये प्राप्त हुआ है उनकी वीडियो और आपका जो ब्लैंक चेक के जो अभी तक आपके नाम पे नहीं हुआ उसकी वीडियो, साथ में जो आपसे पहले जिन लोगों को लॉटरी मिला उनकी वीडियो तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैंने भेजी है, आप देखो, देख के वापस कॉल बताओ। ओके जी, ये तो देख रहा हूँ सर, इसमें फोटो लगा हुआ है, ये पोस्टर बना हुआ है सर। देखिए, आपको सभी कुछ और भेज दिया, सभी कुछ देख के आप कॉल लगाइए। जी जी जी, ठीक है, अभी आपकी हमारी तरफ से काम रेडी है सर। ओके सर, ओके। तो ये फोटो बस आया सर, वीडियो और आने वाला है बोल रहे हो आप? सर, सभी कुछ भेज दिया, चेक करके। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। और ये एक साइड पे आप देख सकते हैं, ये ब्लैंक चेक है, यानी इस पे ना आपका नाम लिखा है, ना डेट लिखा है, ना स्टैंप लगा है, ना साइन हुआ है। इनको आप साइन करवाएंगे, स्टैंप करवाएंगे और भारत सरकार की जानिब से पेपर पास करवाने का, साइन करवाने का आपको जो भी फीस आएगा वो आप पहले भरेंगे, आपके पेपर पास होंगे और पैसा सेंड होगा। थैंक यू, थैंक यू केबीसी का, थैंक यू राणा प्रताप जी का, जिसने मुझे इतनी बड़ी अमाउंट 25 लाख रुपए कैश करवा दिए हैं। इसलिए मैंने 18,000 रुपये का एक फॉर्म खरीदा था, मेरे पास प्रूफ भी है, ये देखो। आप लोगों को विश्वास ना हो रहे, नहीं होना तो क्या हुआ, फिर मुझे विश्वास हुआ और राणा प्रताप जी का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, जिसने मुझे इतनी बड़ी अमाउंट कैश करवा दी गई। थैंक यू सो मच जियो कंपनी एंड कौन बनेगा महाकरोड़पति। आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट कि मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई एम अ स्टूडेंट एंड ये मनी मेरे एज अ स्कॉलरशिप बिहेव कर रहा है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल अथॉरिटीज जो भी इसमें है शामिल, थैंक यू सो मच। एंड शी इज माय मॉम, शी इज आल्सो सेइंग थैंक यू। तो थैंक यू सो मच कौन बनेगा महाकरोड़पति, आप ऐसे करिए, हमें खुश करिए, खुद भी खुश रहिए। सर, ये हमारा ऑफिस है, ये मेरा मंच है, ठीक है, जहाँ से हम आपका काम फाइनल कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप अपना टैक्स कंप्लीट करके अपना पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपके पास वीडियो हमारा आ गया, ये देख रहे हैं सब, बैंक का मशीन लगा हुआ नज़र आपको आ रहा है। ओके सर, थैंक यू, नमस्कार। ये देख लें सर, ऑलरेडी जो लोग इस लॉटरी को कैश कर चुके हैं उनके डिपॉजिट स्लिप के फॉर्म भी आपको दिखा रहा हूँ, देख लें सर, आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। तो उनके चेक भी आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख लो, अभी मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये देख लें सर, जो लोग इस लॉटरी को ऑलरेडी कैश कर चुके हैं उनके चेक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लें सर, नजर आ रहे हैं ना सर आपको, विश्वास करें सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना काम क्लियर करवा लें सर, ठीक है। हेलो जी सर, वीडियो देखा हूँ सर, सभी चीजें हैं जी। ओके, तो मैम सर मैं आपको बताता चलूं कि जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या एक बैंक से दूसरे बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है ना जी, इसका टैक्स होता है, फीस होता है। तो जो लॉटरी आपको मिल रहा है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्स है जीएसटी पासिंग फीस है वो है सर 8,100 रुपया। आपके चेक के ऊपर लिखा हुआ है जिसके ऊपर आपका नाम और फोटो है जी, उसमें आपका टैक्स फीस लिखा हुआ है 8,100 रुपया। आप फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, मनी ट्रांसफर, एयरटेल सेंड मनी से आप ये जमा कर सकते हो जी। जैसे आप ये जमा करवाओगे, करवाने के जस्ट 5 मिनट बाद जो अकाउंट नंबर आपने दिया है
जी अकाउंट में आपका पैसा जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएगा। अगर ये टैक्स फीस आप जमा नहीं करोगे तो आपका जो लॉटरी का अमाउंट है ये आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा और आप अपना पैसा निकाल नहीं पाएंगे सर। सर तो क्या बोलते हैं उसी में से थोड़ा सा माइनस करके नहीं हो जाएगा सर, नहीं बनेगा सर ऐसा ना कि जो लॉटरी का अमाउंट होता है वो पूरा का पूरा अकाउंट में आता है कस्टमर के अकाउंट में, उसमें से माइनस डिस्काउंट नहीं होता है क्योंकि जो लॉटरी होती है वो पूरी की पूरी रसीद होती है, वो माइनस डिस्काउंट में नहीं डाली जाती सर। जी जी तो जैसे सरकारी नियम में ऐसा टैक्स काटते हैं ना वैसे काट इतना ज्यादा राशि नहीं है, ये नहीं कि आपका 50,000 या 1,00,000 या 2,00,000 रुपया टैक्स आ रहा है। जी जी वेरी सॉरी सर, आपका जो टैक्स है जो फीस है वो सिर्फ ओनली है 8,100 रुपया, ये नॉर्मल बनता है। जी जी और एक मैम 25,00,000 का कितना 18,000 रुपया कुछ जमा किए थे, उनका कुछ एक्स्ट्रा लगा था क्या सर? सर वो मुख्तलिफ होता है ना, मुख्तलिफ जो हमें चेक लेते हैं उनको टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है, जो कैश लेते हैं उनको उससे ज्यादा भरना पड़ता है, जो अकाउंट में लेते हैं उनका टैक्स कम होता है सर। जी जी तो सर कौन सा है उसमें भेजना पड़ेगा अमाउंट? सर आपको फोन पे गूगल पे पेटीएम नंबर दिया जाएगा। जी जी इसमें आपको ये जमा करना होगा, जमा करने के जस्ट 5 मिनट बाद आपका पैसा जो है ना वो आपके अकाउंट में ऑनलाइन हो जाएगा। आप मेरे साथ स्टे ऑनलाइन रहेंगे, जैसे लाइन पे हैं ऐसे लाइन होल्ड पर रह के आप जमा करेंगे, जमा करने के बाद उधर से सीधा बैंक में जाना है जिसमें आपका अकाउंट है और जाके आपने अपना पैसा निकालना है सर। जी जी तो सर वही मैं बताया ना पहला मेरा अकाउंट जो था वो नहीं है, तो मैं पड़ोसी का नंबर दिया हूँ, तो वो फिलहाल अब जा पाएगा कि नहीं पाएगा अकाउंट लेके बैंक में देखना पड़ेगा सर, बात करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम उसका कोई दिक्कत प्रॉब्लम लेने का जरूरत नहीं है सर। तो सर 100% आ जाएगा ना सर, 25,00,000 रुपए मिल जाएगा ना सर? अच्छा और एक आपको नेट ही अच्छा मशवरा दे रहा हूँ जी, क्या है हम लोग गरीब आदमी सर और ऐसे अचानक से लॉटरी लगा है तो एकदम खुशी के मारे एकदम गदगद हो गए सर, अब क्या अब का ही बताएं आप, अगर पास में रहते सर आपको भी हम कम से कम 50,000-60,000 रुपये आपको दे ही देते सर, ऐसा एकदम खुशी महसूस हो रहा है सर, लेकिन जमा नहीं करेंगे उससे पहले पैसा आपको रसीद नहीं हो पाएगा, वही तो दिक्कत है ना सर, अब 8,000 रुपये फिर ला कहाँ से कैसा क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा है, अब उसी में से कट जा रहा था तो समझ में आ जाता सर। आप बता दीजिए आप कितना कर सकते हैं, बताइए मेरे को सर। अब टैक्स का तो सरकारी नियम है, अब 8,000 बोल रहे सर तो 8,000 रुपये के कम कहाँ सरकार लोग छोड़ेंगे सर, सरकार लोग तो 1-1 रुपये को छोड़ते नहीं है सर, तो अब क्या ही बोले सर उसमें, अब मेरे अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये सर। सुनिए ना सर, देखिए सर डेली कमाने वाले हैं, 500 रुपये अब मिलता है रोजी में तो फिर कमाते खाते हैं ऐसे टाइप का चलता है सर, और अचानक से 25,00,000 मिल गया मतलब इतना खुशी ठिकाना नहीं है सर, घर में सबको बता दिए सर, और क्या ही बोले सर। तो सर ऐसा नहीं हो सकता सर, हम सर 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 पहले आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, सुनिए ना सर, फीस जमा नहीं करेंगे जी 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 पहले पैसा आपको रिसीव नहीं हो पाएगा। जी जी तो मैं एक चीज और रिक्वेस्ट कर रहा था सर, जैसे अब हमारे पर तो इतना कुछ आप दे रहे हैं सर तो विश्वास कीजिए, अब इतना हम गरीब आदमी हैं तो विश्वास रखते हैं, आप हमारे अकाउंट में डाल दीजिए उसके तुरंत आपको हम कम से कम 8 बोल रहे हैं आपको हम कम से कम। वही तो बात ना, पहले आप खुद बात कर रहे हो कि केवीसी 1 रुपया भी नहीं छोड़ती, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपके पॉकेट से तो पैसा आपको दे नहीं रहा। जी 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 आपको केवीसी दे रही है तो केवीसी का नियम है जो वो आपको टैक्स बोलते हैं जो फीस बोलते हैं वो तो आपको जमा करना ही पड़ेगा ना सर, तो आप करा दीजिए सर उसको कम से कम, आप टैक्स पे कर दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको सर उसे डबल दे दूंगा सर। वेरी सॉरी सर बहुत अच्छा नहीं लग रहा सर ये, सर जब तक आप अपना टैक्स फीस क्लियर ये कब तक है सर, कब तक सर पैसा आपको रिसीव नहीं हो पाएगा, कब तक नहीं हो पाएगा इसको, कब तक जमा करना है सर? तो कर दिया आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कुछ करवा देता हूँ, अगर आपके पास कुछ कम है तो मैं बड़े साहब को मैसेज कर देता हूँ, अगर आपका कुछ लेस करते हैं 500 के आसपास होगा सर, ज़्यादा नहीं है अकाउंट में, आप तो जानते हैं गरीब आदमी लोगों के पास में कहाँ रहते। मैं क्या बोलते सर कब तक रहेगा सर ये, मतलब ये आज की डेट है, आज की डेट में आपको 12 बजे से पहले पहले हमने पैसा आपके अकाउंट में भेजना है। ओहो तो गलत है सर, बहुत दिक्कत वाला काम है सर, क्या करें समझ नहीं आ रहा है सर। एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सर,
हेलो यस सर, ऐसे छोटे छोटे गरीब लोगों जो अनजान लोग हैं सर, उसको क्यों लूट रहे हैं सर? थोड़ा सा प्लीज़ बताइए ना सर। क्या लूट रहे हैं? सर ऐसे लॉटरी लग गया करके आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? प्लीज़ सर बताइए ना। भाई जो बात आपको कर दिया, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लेना है तो आप लीजिए, अगर आपको नहीं लेना तो आप कॉल कट कर दीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप जैसे फजूल लोगों के साथ हम बात करते रहे। ठीक है, फजूल नहीं सर, आप इतने लोग बेचारे लोगों को मेहनत करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं, आप उनको ऐसे फंसा के करते हैं सर, ऐसा क्यों करते हो सर? प्लीज सर ऐसा मत कीजिए आप अबे लोग। मैंने आपको, मेरी बात सुनो, ये लैंग्वेज आप किसी और के साथ इस्तेमाल करो। ठीक है, आप लोग आप इस एकदम, चीज को मजाक समझ रहे हो ना, जब टीवी पे दिखाया जाएगा ना फिर तुम्हें मालूम होगा। ओके, कॉल आप लोग एक कट करो। इतना निर्दयी हैं आप लोग, देख रहे हो बाबा।